हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वालिटी चाहिए एक स्टूडेंट में ताकि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। जब हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो बहुत कठिनाई आते हैं, लेकिन कुछ क्वालिटीज़ अगर किसी में हैं जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, अगर वो क्वालिटीज़ किसी में हैं तो वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आसान हो जाता है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ हमारे अंदर रहना चाहिए ताकि हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग आसानी से अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें और हम लोग का जो गोल है उसको हम लोग अचीव कर सकें। चलिए, पहला जो है डिसिप्लिन एंड प्लान्ड। इसका मीनिंग क्या है? डिसिप्लिन एंड प्लान्ड, आपको एक टाइम टेबल मेंटेन करना होगा। सुबह उठे आप 8 बजे, 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक आपको क्या क्या करना है उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा और उसी टाइम टेबल को आप स्टिक करना होगा। तो आपको एक टाइम टेबल मेंटेन कीजिए और उसको फॉलो करिए। उसके बाद डेली मिनिमम ऑफ 8 आवर स्टडी। कुछ भी हो जाइए, आप 8 घंटा डेली पढ़ाई करिए। ऐसा ना हो कि आज 15 घंटा पढ़ लिए, कल 2 घंटा पढ़ लिए, अगले दिन बिल्कुल ही पढ़े नहीं। इससे क्या होता है, आपका जो फ्लो है वो ख़राब हो जाता है और आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा, एक दिन पढ़ाई किए, 10 दिन नहीं पढ़ाई किए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमेशा कोशिश करिए कि रोज़ 16 घंटा पढ़ने के अलावा ये मत करिए, आप रोज़ 8 घंटा से 10 घंटा पढ़ाई करिए जो कि सस्टेनेबल है। 8 to 10 आवर्स, दिस इज़ सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म। उतना ही पढ़ाई करिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ाई करिए, जैसे कि 1 ईयर या 2 ईयर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ पढ़ाई करिए। हाँ, आप संडे को ब्रेक ले सकते हैं, संडे को हाफ डे ब्रेक ले सकते हैं, जिसपे आप घूमना, मूवी देखना, ताकि खुद को हल्का कर सकें, आप वो करिए। 8 घंटा पढ़ाई करिए और 8 घंटे के बाद जो भी टाइम है हर रोज़ आप एंजॉय भी कर सकते हैं। रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, आपको जो करेंट अफेयर्स है वो भी हो जाएगा और उसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो भी हो जाएगा, या फिर कोई मेंस में आप आंसर राइट कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर से आप फैक्ट उस पर दे सकते हैं, तो वो क्या करेगा, आपका आंसर को एनरिच करेगा। उसके बाद आपको एक प्रॉपर डाइट भी लेना है। बस पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, आपका डाइट भी सही रहता है। आपका जो डाइट होगा वो आपके बॉडी को हेल्दी रखेगा और आपका बॉडी हेल्दी होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो डाइट अच्छे से लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है रोज़ छोले पूड़ी कुछ भी खा लीजिए, ऐसा नहीं होता है। जितना ऑयली फूड खाएंगे उतना आपका तबीयत ख़राब होगा, और आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ही सिंपल खाना खाइए और जो कि हेल्दी होता है, फ्रूट्स खाइए, अच्छे से रहिए, आपका पढ़ाई में कोई हम्पर नहीं होगा जैसे हेल्थ की वजह से। उसके बाद खाने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना है। देखिए, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप जिम जाइए, क्योंकि जिम जाएंगे तो आपको हैवी वर्कआउट करेंगे, वेट लिफ्टिंग, उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी है उसको रेस्ट चाहिए होगा ज़्यादा और आपका जो मन होगा वो शायद इस पर भी जा सकता है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है वहाँ पर लोगों को देख के। उनका एम कुछ और हो सकता है, आपका एम कुछ और है। आप वहाँ पर जाएंगे सिर्फ आपको फिट रखने के लिए, लेकिन उनको देखकर आपका मोटिवेशन होगा कि मैं भी बॉडी बनाऊँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो आप जिस टाइम पर आप जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पर ये नहीं करना है। इसलिए आपको रोज़ 10,000 स्टेप्स चलना है। आप पार्क में चलिए या जिम जाके बस रनिंग करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ, बस एरोबिक करिए, कोई भी वेट लिफ्टिंग वाला काम मत करिए।
आपको बस फिट रहना है। चलिए सेकंड देख लेते हैं, फोकस ऑन टारगेट। जो सेकंड चीज़ें हैं, आपको टारगेट पे फोकस करना है। मतलब आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, और वीकली बेसिस में मुझे इतना ख़त्म करना है, कितना टेस्ट सीरीज देना है, मंथली बेसिस में कितना टॉपिक ख़त्म करना है, कितना सब्जेक्ट ख़त्म करना है। आप एक टारगेट करिए, टारगेट करने के बाद उसके लिए कोई भी प्लान बनाइए, टारगेट उसके लिए प्लान, और उसको अचीव करिए। जब अचीव करेंगे आपको हैप्पीनेस होगा, ज़्यादा हैप्पीनेस होगा तो आप अच्छे से गोल को अचीव कर पाएंगे। डू नॉट इन्वॉल्व अननेसेसरली इन रिलेशनशिप, मैं ही बोलूँगा। देखिए इसमें बुरी बात नहीं है, अपना पर्सनल चॉइस है, रिलेशनशिप में आना है नहीं आना है वो अपना पर्सनल चॉइस है। लेकिन मैं बोलूँगा कि जिस टाइम पे आप तैयारी कर रहे हैं रिलेशनशिप में मत आइए, क्योंकि वो वहाँ पर आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है। और एक बार डाइवर्ट हो गया और रिलेशनशिप में और कोई भी झगड़ा होता है, ये होता है, तो आपका स्टडी के ऊपर हैम्पर करता है। तो ये सब मत करिए, जितना हो सके उससे दूर रहिए। डू नॉट वेस्ट मच टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड फ्रेंड्स। देखिए जितना सोशल मीडिया देखेंगे, आज तो अनलिमिटेड स्क्रोल्स आता है, तो आप जितना भी उसको स्वाइप अप करेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उससे क्या होता है आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 घंटा 2 घंटा आप वहाँ पर बर्बाद कर देंगे, तो वो मत करिए। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा फेसबुक ऑनेस्टल था। मुझे याद है मैं शायद 4-5 साल फेसबुक चलाया भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। एक बार आप अचीव कर लिए, आपको सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे एक्सेप्ट करने के लिए, एक बार अचीव कर लिए। लेकिन उससे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि आपका क्या वर्थ है। इसलिए आप सोशल मीडिया से दूर रहिए और आपका टाइम को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। थर्ड थिंग, स्टडी एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट पर डे। मैं इसको इसीलिए बोल रहा हूँ, सपोज़ आप एक सब्जेक्ट ले लिए उसको ख़त्म करने के लिए सोचें, वो कभी हो नहीं सकता। आप 2 घंटा पढ़ेंगे वही चीज़ को, बार बार पढ़ने के बाद आप लेथार्जिक फील करेंगे, और एक बार लेथार्जिक फील किए फिर वहाँ पर बैठने के लिए भी मन नहीं करेगा। इसलिए जो माइंड को चाहिए, नया नया चीज़ें चाहिए, रोज़ नया नया चीज़ें चाहिए। इसलिए 1 घंटा या 2 घंटा एक सब्जेक्ट, फिर 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट, फिर 2 घंटा तीसरा सब्जेक्ट, ऐसे पढ़ाई करिए, ताकि नया नया चीज़ें जब माइंड के पास आएगा तो माइंड खुद को इन्वॉल्व कर देगा, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं 3 सब्जेक्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डीमोटिवेशन और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। एंड गोइंग फॉर 3 सब्जेक्ट ऑल्सो बूस्ट कंसेंट्रेशन। 3 सब्जेक्ट लेंगे तो आपका जो कंसेंट्रेशन है वो बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि माइंड को तीन तीन चीज़ें मिल रहा है, नया नया चीज़ें मिल रहा है, तो आपका जो कंसेंट्रेशन वो लॉस नहीं होगा। देन टेक ए ब्रेक बिफोर स्टडिंग ए डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर आप 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट, उसके बाद 15 मिनट या 30 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, या फिर आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं और उसमें आप थोड़ा सा पार्क चले जाइए, कहीं चले जाइए, दुकान में चले जाइए, कुछ खा लीजिए, घूम लीजिए, फिर आके दोबारा स्टार्ट करिए। उससे क्या होगा, आपके माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और आपका जो कंसेंट्रेशन है वो भी हमेशा लगा रहेगा। फोर्थ सब इज़ एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं आप कम से कम 15 या 16 घंटा पढ़ाई करिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये जो प्लान है ये हमेशा नहीं हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकते हैं, मैंने भी देखा हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर आप 8 टू 9 आवर्स स्लीप नहीं लेंगे तो आपको माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा, और ए रेस्टलेस माइंड कैन नॉट कैप्चर द थिंग्स बेटर, कैनॉट कैप्चर। तो इसलिए आपको रेस्ट लेना है, जैसे आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए वैसे आप माइंड को भी रेस्ट देना चाहिए। इसीलिए आपको मिनिमम 8 से 9 घंटा गहरा नींद लेना है। तो आप एक काम करिए, 12 बजे से लेकर 8 बजे तक आप आराम से सो जाइए, मोबाइल बंद कर दीजिए, किसी से बात मत करिए, मोबाइल बंद कर दीजिए या आपसे दूर रखिए और सो जाइए, आराम से सो जाइए।
प्रॉपर स्लीप मीन्स बेटर कंसेंट्रेशन और आपका बॉडी भी फिट रहेगा, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। देन फिफ्थ थिंग इज प्लानिंग फॉर द डे। आपको हमेशा याद रखना एवरी डे इज ए न्यू डे फॉर यू, सो न्यू टारगेट विल कम, सो यू हैव टू प्लान फॉर द डे एंड ट्राई टू अचीव दैट प्लान, अचीव दैट प्लान एट एनी कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको जो टारगेट देना है खुद को बहुत ही बिग टारगेट दें, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, और कोई या फिर कोई स्मॉल टारगेट दें वो भी नहीं हो सकता। आप जितना आपको जितना लगता है कि इतना ही मैं कर सकता हूँ इतना ही मैं कर सकता हूँ उतना ही लीजिए, ज़्यादा बिग मत कर रखिए या बहुत ही स्मॉल मत रखिए। एंड डे टू डे बेसिस में आप उसको इम्प्रूव भी करिए। उससे क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, एक महीने या दो महीने या एक साल में आप बहुत सारा इम्प्रूवमेंट कर चुके होंगे, या फिर वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हो, ऐसे राइटिंग में हो, करेंट अफेयर्स में हो, या पढ़ाई करने के स्टाइल में हो, वो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। डेली इम्प्रूवमेंट करिए, डेली एक टारगेट खुद को दीजिए, उससे क्या होगा आपको प्लान मिल गया, आप कभी जाके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे बाहर, या फिर फ्रेंड के साथ गसिप करके आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा चलता रहेगा कि आज मुझे ये ख़त्म करना था, ख़त्म नहीं हुआ, चलिए पढ़ाई करते हैं। उसके बाद मेकिंग ए कंसाइज नोट्स एंड रिवाइजिंग इट इन रेगुलर इंटरवल्स। जब भी पढ़ाई कर रहे हैं आप ऐसा मत करिए कि पूरा जो पढ़ रहे हैं सबका नोट्स लीजिए, वो करेंगे वो तो आपका लिखते लिखते सारा टाइम ख़त्म हो जाएगा। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत बस कीवर्ड लिख दीजिए, उसको या तो कोई डायरी मेंटेन करके उसको रखिए, या फिर आपके वॉल पे चिपका दीजिए और उसको बार बार देखते रहिए, या फिर कोई चीज़ें आपको याद नहीं रह रहा है तो उसको आप स्टिकी नोट पे स्टिक कर दीजिए अपने वॉल पे और उसको देखते रहिए, या फिर कोई ईयर, या फिर कोई प्लेस का नेम, या फिर आपको कुछ समझ में आया उस कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं आपको कोई की पॉइंट मिल गया उसको आप एक डायरी में लिखते रहिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप भी आ रहे हैं जैसे वन नोट हो गया, या फिर कोई अदर ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे एवर नोट हो गया, उस पर आप रख सकते हैं तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा आपके पास रिपोजिटरी के हिसाब से। तो आपको क्या होगा इससे आप जब चाहें उसको रिवाइज कर सकते हैं, और इसको ये आपको हेल्पफुल भी होगा कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ UPSC की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बैंक का हो या फिर कोई SSC का एग्ज़ाम हो, या फिर आप कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आप उसको देख के जस्ट लुक आउट करके जाना है। उससे क्या होगा आप खुद को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि मैंने पढ़ के आया हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। स्टेइंग आउट ऑफ द सेल फोन्स एंड सोशल मीडिया अननेसेसरी। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सेल फोन से एंड सोशल मीडिया से दूर रहना है। उससे क्या होगा आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों का कॉल आ जाएगा उसमें आपका एक दो घंटा बर्बाद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जब दो घंटा बर्बाद हो जाएगा फिर आप सोचेंगे अरे मेरा टाइम तो बर्बाद हो गया, आज का दिन तो फिर बर्बाद चला गया। इसलिए आप क्या करिए जब पढ़ाई करने के लिए जाएंगे मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दीजिए, सोशल मीडिया टोटल अनइंस्टॉल कर दीजिए, कोई काम नहीं है सोशल मीडिया का, कोई भी काम नहीं है। उसके बाद या फिर आप वो भी नहीं करेंगे तो DND एक्टिवेट कर दीजिए। आज तो सारे स्मार्टफोन में DND एक एक्टिवेशन के लिए आता है, कोई एक स्विच होता है उसको दबा दीजिए ताकि कॉल भी नहीं आएंगे। कॉल नहीं आएंगे तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं विथ कंसंट्रेशन। उसके बाद आपका आएगा कीप स्टडी रूम एंड स्टडी स्पेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। जब मैं पढ़ाई कर रहा था अगर मेरा टेबल बिखरा हुआ रहता था तो मेरे मन में हमेशा रहता था अरे टेबल गंदा है कैसे पढ़ाई करूँ ये करूँ, मतलब माइंड को एक नेगेटिव एनर्जी आता था कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप क्या करना है जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूरा क्लीन रखिए एंड ऑर्गेनाइज रखिए। तो उससे क्या होगा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जी से क्या होगा आपको मोटिवेशन मिलेगा
आपका दिमाग पीसफुल रहेगा तो आप ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं, रिटेंशन अच्छा भी रहेगा आपका जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपका पूरा जो एनवायरनमेंट या फिर आपका टेबल मेसी रहेगा तो एक नेगेटिव एनर्जी आता है, उससे क्या होगा आपका माइंड पीसफुल नहीं रहेगा, तो आप चीज़ों को अच्छे से कैप्चर नहीं कर सकते हैं। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट गिव्स पॉजिटिव एनर्जी टू डिवोट आवरसेल्फ इन द स्टडीज़। ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ कि चीज़ें अगर हमारे आसपास की चीज़ें, आप मेरा टेबल या फिर आपका टेबल जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका रूम, और वो क्लीन रहा तो पॉजिटिव एनर्जी देता है, और आराम से वो पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप आराम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने से क्या होगा, आप कोई भी चीज़ें ढूंढ रहे हैं बहुत ज़रूरी है तो उसको आराम से आपको मिल सकता है, आप उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आएगा मेकिंग ए स्टडी ग्रुप ऑफ सीरियस स्टूडेंट्स एंड ग्रुप डिस्कशन। जब मैं पढ़ाई कर रहा था मुझे लग रहा था कि आपका दो या तीन फ्रेंड रहना चाहिए जिसके साथ आप रोज़ एक घंटा डिस्कशन कर सकते हैं कुछ भी पढ़ाई के बारे में, ताकि जो चीज़ें आप छोड़ दिए वो कवर कर लिया हो, उससे आपको पता चल जाएगा, या फिर वो चीज़ें जो चीज़ें उसको लग रहा है तो शायद आप मिस कर दिए हो तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो ग्रुप है दो या तीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा वो ग्रुप नहीं रहेगा, वो एक वहाँ पर डिस्कशन नहीं होगा, वो वहाँ पर सिर्फ टाइम पास होगा। उसके वजह से आपका एक घंटा जो डिस्कशन होता है ना वो 5 घंटा हो जाएगा और आपका पढ़ाई पूरा बर्बाद हो जाएगा, वो मत करिएगा। उसके बाद आएगा आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यू हैव टू डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स एंड बी इंक्विजिटिव। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको, या कोई टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको 3-4 क्वेश्चन पूछना होगा, वो है WH वर्ड्स, मतलब हाउ, हु, वेयर, व्हेन। ये चीज़ें अगर पूछेंगे ना तो बहुत सारे सवाल का जवाब आपको पता चल जाएगा, और वो जो टॉपिक है उसका इन डेप्थ एनालिसिस आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और आप अच्छे से आराम से आंसर लिख सकते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको भी अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। बी इंक्विजिटिव मीन्स ईगर टू नो द रूट कॉज एंड ऑलवेज रेडी टू लर्न द न्यू थिंग्स। उससे क्या होगा कि आप नए नए चीज़ों के बारे में जानेंगे, आपको कुछ पता चला, आपको ने कुछ देखे, जैसे अभी रुपीज़ का वैल्यू डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है, तो आप अगर इसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप नेट में सर्च करेंगे, वहाँ जाएंगे कैसे होता है, कन्वर्टिबिलिटी कैसे होता है, इंडिया का क्यों मतलब रुपी नीचे गिर रहा है, डॉलर क्यों स्ट्रांग हो रहा है, वहाँ पर फेड रेट क्यों ऊपर जा रहा है, उसका रुपीज़ के साथ क्या रिलेशन है। अगर आप इंक्विजिटिव हैं तो इस सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी करना होगा और इंक्विजिटिव भी खुद को बनाना होगा, ताकि आप चीज़ों को इन डेप्थ एनालिसिस कर सकें। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने कैसे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको समझा दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और आपके जो भी एग्ज़ाम होगा उस पर सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू।